नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए हम आर डी बर्मन मतलब हमारे पंचमदार के सफर को आगे बढ़ाते हुए और उनके एक और नगमे और अफसाने और कुछ मसाने लेकर इस सफर को आगे जारी रखते हुए ले जाते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि आर डी बर्मन साहब जब आए इंडस्ट्री में तो पूरा जो कायनात था वो सितारे भरे कायनात, जो बोलना चाह रहा हूँ है कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में तब एक से एक बढ़कर हस्ती थे म्यूजिक में। शंकर जयकिशन से लेके नौशाद साहब तक, रोशन से लेके मदन मोहन जी या ओपीनाथ जी तक। तो उनको 70s तक आने लगा कि पंचम जी का खुद का जो क्या कहते हैं सिग्नेचर म्यूजिक वो डालने लगे और बहुत सारे उनके अलग अलग से क्या है फैंस है दुनिया भर में। कभी कभी उनको थोड़ा लाउड म्यूजिक बहुत पसंद है क्योंकि पंचम जी के साथ वेस्टर्नाइज्ड कंपोजिशन का बहुत जबरदस्त एक कनेक्शन है तो वो पसंद करते हैं लाउड म्यूजिक। जैसे रफी साहब का गाना था वो शमी कपूर जी की तीसरी मंजिल में, आजा जा मैं प्यार तेरा अल्लाह इनकार तेरा हो ओ आजा आजा। हम लेके आए हैं आडी बर्मन साहब का सॉफ्टर साइड जिसमें बहुत रोमांटिक गाने हैं। और रूमी जी भी एक बार पहली बार बता चुकी है कि आडी बर्मन साहब का सबसे रंगीन जो म्यूजिक रहता था दैट वाज डिवोटेड टू ऋषि कपूर जी, चिंटू जी, जिनके साथ रूमी जी स्टेज शो की है बहुत बार। तो वो चिंटू जी का ये फिल्म है सागर और ये फिल्म में एक एक सागर की तरह लहरा के ले गए इसका म्यूजिक आडी बर्मन साहब। और ये गाना है लता जी और किशोर कुमार साहब का और इस फिल्म में लोग तो हैरान हो गए थे किसको किसकी तारीफ करें, वो कभी कमल हासन साहब, कभी ऋषि कपूर साहब, कभी डिंपल कपाड़िया जी। और ये और एक बात है कि डिंपल जी जो एक स्पार्क लेके आई थी वो बॉबी में एकदम धुआं उड़ाई, उसके बाद वो फिल्म से एकदम संन्यास ले ली थी, फिर वापस आई इस फिल्म से और सागर में एकदम छा गए सिंगर की तरह। तो रूमी जी की आवाज में बहुत ही सुंदर लगेगा ये गाना। सागर की तरह वो छाई नहीं गई, वो लहरों की तरह लहराते हुए आज भी दर्शकों को अपने जलवों से वो फिदा कर रही करते जा ही रही है। शी इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एंड वेरी 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 टैलेंटेड एक्ट्रेस इन द फिल्म इंडस्ट्री एज गॉट। और ऑल्सो ये भी बता दीजिए कि आप माइक्रोफोन पकड़ के रखिए, वो इसका जो अल्फाज है, जो लिरिक्स है वो जावेद अख्तर साहब का है, वो फेमस सलीम जावेद जी। वो भी अभी भी वो अपने लिरिक्स से अपने कलम से सब दर्शकों को उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नगमे दिए। और रमेश सिप्पी जी हाँ। जो शोले में इतना बड़ा एक्शन दे एक्शन फिल्म बनाए थे, शोले कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, उसके बाद आया सागर, उसके बाद सागर एंड आउट एंड आउट रोमांटिक मूवी लेकर वो आए। इतना रोमांटिक मूवी था ये, तीन जन के बीच का जो एक प्यार का ट्राइंगल, लव ट्राइंगल, बहुत खूबसूरती से इन्होंने ये फिल्म को पेश किया था। और जो विशाखापट्टनम और उस साइड का जो साउथ का जो एक मछुआरों का जो एक लाइफ दिखाया गया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फिल्म, मतलब इनको काफी अवार्ड्स भी मिले थे इस फिल्म। दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर
जागे नजारे जागे हाय, जब प्यार जागा जागी फिजाए। Yeah.